नमस्कार, मैं हूं पूजा चौधरी और आप देख रहे हैं। जाइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और असम में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मिदनापुर में 3 चुनावी रैलियां करेंगी। सियासी घमासान के बीच आज नजर पीएम मोदी के भाषण पर, क्योंकि ममता के तीखे तेवर के बीच आज वो बंगाल में चुनावी रैली कर रहे हैं। हर किसी की नजर इस बात पर रहेगी कि पीएम ममता के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। अब बीजेपी नेता ममता पर निजी हमले के बजाय सरकार की नाकामियों को गिनाया जाएगा। पीएम मोदी असम के करीमगंज में भी रैली करेंगे। पहले पीएम मोदी की रैली 20 मार्च को होनी थी, लेकिन अब इसे 2 दिन पहले आयोजित कराया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पहले चरण के चुनाव अपने माहौल में पक्ष बनाने की कोशिश में जुटी है। बंगाल के पहले चरण में 30 सीटों पर 27 मार्च को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई आला नेता मौजूद हैं। बैठक में 5 राज्यों में चुनावों के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ, साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी नेता बाबू सुप्रियो ने बैठक के बाद बताया कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बाकी बचे उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 1 या 2 दिन में कर दी जाएगी। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बंगाल बीजेपी ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों कोलकाता में जेपी नड्डा और राजनाथ के बीच बैठक में तय किया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निशाने पर रहेंगी, लेकिन उन पर निजी टिप्पणी नहीं की जाएगी। ममता सरकार की नाकामियों को लेकर हमला किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पुरुलिया के बाद पीएम मोदी की अगली रैली 20 मार्च को खड़गपुर, 21 को बांगुरा और 24 मार्च को काठी मिदनापुर में। काठी रैली में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी शामिल होंगे। यहां शिशिर के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। वही ममता के मुकाबले चुनाव लड़ रहे सुवेंदु अधिकारी आज नदीग्राम में जनसभा में शामिल होंगे। सुवेंदु नदीग्राम में एक किसान के घर भोजन भी करेंगे। तो ये थे आज के हमारी खास खबर। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।